हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक्चुअल में हम पढ़ने वाले हैं भाई बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 6 जिसमें हमारा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर इसका नाम पहले कभी सुना है क्या? बिल्कुल सुना है सर। एक क्लास 12th में एनसीईआरटी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर हम देखें ना भाई, जो क्लास 12th में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था वो पूरा का पूरा चैप्टर इधर मिल जाना है आपको, और साथ ही साथ कुछ चीजें एडवांस भी मिल जानी है, तो वो सब हम करने वाले हैं भाई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अगर तुम ऐसे कोई क्लास 12th वाला भी देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकता है, बिल्कुल बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी ग्रेजुएशन के हिसाब से तो हम करेंगे, और हमारा क्या ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसके हिसाब से भी करेंगे। अगर थ्योरेटिकल हो गया तो भी हम कर सकेंगे, हर चीज को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक फंडे से अपर लेवल तक लेके जाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो भाई बीएससी थर्ड सेमेस्टर की इससे पहले और भी यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट हमारी केमिकल काइनेटिक्स वो भी हम कर चुके हैं, सेकंड यूनिट हमारी फेज इक्विलिब्रिया थी आई थिंक वो भी हम कर चुके हैं, और इसके बाद एक और यूनिट थी हमारी, क्या था भाई एक बार देख लेते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं रहा फिलहाल कौन कौन सी थी। हाँ एक मिनट, पहली यूनिट हमारी केमिकल काइनेटिक्स थी, दूसरी हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम थी, तीसरी हमारी फेज इक्विलिब्रियम थी। ये तीनों यूनिट हमारी हो चुकी है। उसके बाद सर हम डायरेक्ट पहुंच गए यूनिट 6 पर। रीजन ये है क्योंकि आपके एग्जाम पास आने वाले हैं और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसका जानना पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बीच में हमारी दो यूनिट बची है, यूनिट 4 और 5, उसको हम इसके बाद कर लेंगे। फिलहाल हमें यूनिट 6 पर फोकस करना है। पहले ये देख लीजिए भाई यूनिट 6 में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सर ये मैंने यूनिट 6 में आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए, इनको हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा एडिशनल कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है जिसमें हमें सेंट्रल मेटल एटम पढ़ना है, लिगेंड पढ़ना है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये जानना है, आइसोमेरिज्म भाई बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे आइसोमेरिज्म, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म समझते हैं ना भाई हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, सर कौन सा लिगेंड कहाँ है कैसे। मेरे पास स्ट्रक्चर मॉडल है, मैं उनसे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिकर नॉट। चले भाई, तो हमें आइसोमेरिज्म भी पढ़ने हैं और हमारा वर्नर्स थ्योरी पढ़नी है, मतलब वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें पढ़नी है। तो ये हमारा केवल जो आपकी यूनिट नंबर 6 है इसमें केवल इतना ही है। सर इसके बाद की कहानी जैसे कि सीएफटी होती है, वीबीटी होती है, जेटीडी होती है, ये सब हमको पढ़ना है सर इसके अगले वाली यूनिट में, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे नहीं। चलिए फिर, आज का अपना लेक्चर नंबर पहला है और पहले लेक्चर में हम करने वाले हैं सबसे पहले एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, क्या जानने वाले भाई एडिशनल कंपाउंड होते क्या हैं। सर इसको समझते हैं, इसको समझते हैं बड़े ही प्यार से आराम से। सर होता क्या है, सर आपने एक नाम सुना होगा सॉल्ट का, क्या नाम सुना होता है सॉल्ट। सर सॉल्ट क्या होता है ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है, सॉल्ट क्या होता है आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम यहां पर कर लेते हैं। हमने बचपन से एक चीज पढ़ी होती है सॉल्ट, क्या पढ़ा होता है सॉल्ट, नाम सुना है सॉल्ट का, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं लबड़। भाई लबड़ क्या होता है सर, हम सीधा सीधा कहते हैं अगर कोई भी हमारे पास एसिड है, ठीक है अपने पास एसिड है, अगर वो रिएक्शन करता है किसके साथ, बेस के साथ, सीधी बात है, जब एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो मिलने के बाद क्या बनाएगा सर, मिलने के बाद बनाता है सॉल्ट। ये बचपन से कहानी हमने पढ़ रखी है सर, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं लवण, मतलब बोले तो सॉल्ट। बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है, पूरी की पूरी यूनिटी बेहतरीन होने वाली, टेंशन ना लो। मतलब क्या है, अपने पास एसिड है बेस है, रिएक्शन करने के बाद बना लेते हैं सॉल्ट। अब कहानी क्या है सर, अब कहानी हमारे पास ये आ गई, क्या आ गई, अगर मान लीजिए अपने पास सॉल्ट है, एक सॉल्ट ये हो गया, दूसरा सॉल्ट कोई और हो गया, तीसरा सॉल्ट कोई और हो गया, मतलब एक सॉल्ट है या दो सॉल्ट है, नॉर्मली कितने होते हैं दो सॉल्ट होते हैं, एन सॉल्ट मैंने मान लिए, ये एन सॉल्ट किसी भी प्रोपोर्शन में मिलना है, किसी भी प्रोपोर्शन का मतलब ये एक ये दो या एक एक दो एक दो तीन चार पांच किसी भी प्रोपोर्शन में मिलना है, मैंने उठाकर मिलाया और मिलाने के बाद जब सॉल्ट्स को आपस में मिलाऊंगा ना तो जो भी कंपाउंड मेरे को मिलता है हम उसको ही बोलते हैं भैया क्या
एडिशन कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको हम, एडिशन कंपाउंड बोल दो या एडिशन सॉल्ट बोल दो, आप इसको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड की जगह आप सॉल्ट यूज भी कर सकते हैं कि एडिशन सॉल्ट। एडिशन का मतलब जुड़ गए ना, एडिशन का मतलब क्या होगा, जुड़ गए। जब हम ये बोलेंगे तो अलग अलग सॉल्ट किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं तो हमारा एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। सर एडिशन कंपाउंड बनते हैं, एडिशन कंपाउंड मतलब पहचानेंगे कैसे, मिक्स होने के बाद जैसे मान ली मैंने नमक ले लिया, कोई दूसरी और चीज ले ली, मैंने आपस में मिक्स किया, एडिशन कंपाउंड बन गया, तो हम कहेंगे नहीं बनेगा। सर उसके लिए क्या करना पड़ता है, भैया इसके लिए ना इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करेंगे इवोपरेट करेंगे, इवोपरेट करेंगे इसको, इवोपरेट करेंगे, उसके बाद इसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे, जिसके बाद ये हमारा क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज। और क्रिस्टल फॉर्म में आने के बाद जो भी कंपाउंड आपको बनेगा, जो भी कंपाउंड आपका बनता है उसी को हम एडिशनल कंपाउंड या फिर सॉल्ट कहा जाता है, उसी को हम एडिशनल कंपाउंड या फिर सॉल्ट कहते हैं। सर हमको ना इसकी डेफिनेशन चाहिए, हमको ना इसकी डेफिनेशन चाहिए, जो भी आप कहना चाह रहे हो, व्हाट इज द मीन ऑफ एडिशन कंपाउंड। चलिए यहां पर लिख लेते हैं एडिशन सॉल्ट, एडिशन सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ एडिशनल सॉल्ट। ठीक है सर, एडिशन सॉल्ट के बारे में जानते हैं, क्या होता है भाई अपने पास एडिशन सॉल्ट, हम कहेंगे व्हेन व्हेन टू डिफरेंट, व्हेन टू डिफरेंट सिंपल सॉल्ट, कौन से वाले सिंपल, व्हेन टू डिफरेंट सिंपल सॉल्ट्स मिक्स्ड मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी प्रपोर्शन, प्रपोर्शन किसी भी मतलब बोल सकते हैं किसी भी अनुपात में आप उनको मिला लो, है ना, किसी भी अनुपात में उनको मिलाया जाता है, when two different simple salt mixed in any proportional and heat them, heat or evaporate, evaporate them to crystallized। फिर उसको क्या करना होता भाई, क्रिस्टलाइज करने के लिए, क्रिस्टलाइज, देन द ऑब्टेन्ड, देन द ऑब्टेन्ड सॉल्ट इज नोन एज, सॉल्ट इज नोन एज, नोन एज एडिशन सॉल्ट। क्या बोलेंगे उसको, एडिशन सॉल्ट। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर जैसे हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो क्या कहेंगे, सर जब दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट को, जब दो अलग अलग सिंपल सॉल्ट को मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, फिर क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो जो भी कंपाउंड हमको मिलता है हम उसको सर एडिशन सॉल्ट कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन सॉल्ट कहेंगे। इतनी बात तो सर बहुत सिंपल सी होगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सर एडिशन कंपाउंड हो गए उसके कुछ एग्जांपल बता दीजिए। सर एग्जांपल जानने से पहले ना अपन को एक काम करना है, क्या करना है, एडिशन कंपाउंड होते कितने टाइप के हैं सर ये भी तो जानना है, बिल्कुल जानना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं एडिशन सॉल्ट जो होते हैं सर इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं जरा नाम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे भाई। एडिशन सॉल्ट दो टाइप के वो होते हैं, एक तो इनमें से आता है डबल सॉल्ट, क्या आता है भाई, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है भाई, दूसरा अपना आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन या फिर इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन को एक नाम और बोला जाता है भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए सर इतनी बात तो अपन को समझ में आ गई। पहली बात एडिशन कंपाउंड क्या है, सर सिंपल सॉल्ट को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ, हीट करो, क्रिस्टलाइज करो, जो कंपाउंड आपको मिलेंगे उनको हम एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन एडिशन कंपाउंड तो अपने पास दो टाइप के होते हैं सर, कौन कौन से टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, दूसरे कॉर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब बात आती है सर क्या मतलब है डबल सॉल्ट का, सर कौन होते हैं डबल सॉल्ट जरा बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे डबल सॉल्ट के बारे में, किसके बारे में जानना चाहेंगे भाई, डबल सॉल्ट के बारे में, व्हाट इज द मीन ऑफ डबल सॉल्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ डबल सॉल्ट, क्या होता है सर डबल सॉल्ट,
मैं आपको बताता हूं इनकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो जानने वाली है हमको, और वो जानने वाली क्या है सर? पहली बात, डबल सॉल्ट स्टेबल इन, डबल सॉल्ट जो होता है वो स्टेबल इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज मतलब क्या है सर? अगर डबल सॉल्ट जो भी है वो एक ऐसा सॉल्ट होता है, अगर वो सॉलिड फेज में है तो स्टेबल होगा, बट ऑन डिजॉल्व इन वॉटर, ऑन डिजॉल्व इन वॉटर, अगर मैं उसको पानी में घोलना चाहूं, अगर मैं उनको पानी में घोलना चाहूं, बट ऑन डिजॉल्व इन वॉटर इट ब्रेक डाउन या इट ब्रोकन इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। क्या मतलब है सर इसका, क्या मतलब है सेकंड लाइन का? पहली बात तो यह है, अगर आपका कोई भी डबल सॉल्ट है, अगर वो क्या है भाई सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल है, लेकिन अगर मैंने उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। मतलब कहने का यह है पहले जैसे था वैसे नहीं रहा, पहले जैसा था वैसे नहीं रहा, तो उसने अपनी पहचान को खो दिया, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। मींस वी कैन से दे लूज देयर आइडेंटिटी, दे लूज या लूज देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑन डिजोल्यूशन इन वॉटर, ऑन डिजोल्यूशन इन वॉटर। मतलब ये है कि सर पानी में घुलने पर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई सर। इसके बाद की कहानी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है सर? इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल सॉल्ट के प्रॉपर्टीज के बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, कोई प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट नहीं होती। तो हम कहेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट्स। अभी एग्जांपल से समझेंगे, मतलब जो भी सिंपल सॉल्ट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट है, मतलब दोनों मिलाए गए, उनकी प्रॉपर्टी और आपके कंपाउंड बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम चीजें होती हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमको बता दीजिए इसका एग्जाम्पल। चलिए सर, एग्जाम्पल हम यहां समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इस साइड। सर कैसे समझेंगे एग्जाम्पल? चलिए किसी भी एग्जाम्पल को बताओ, बेहतरीन एग्जाम्पल बताने वाले हैं जो नॉर्मली आपने अपने घर में देखा होगा, जिसका नाम है पोटास एलम। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये पोटास एलम हमने अपने घर में कहां से देख लिया है, ये तो लैब वगैरह में मिलता होगा। ना भाई ना, पोटास एलम को हम कहते हैं अपनी शुद्ध भाषा में फिटकरी। क्या कहेंगे? फिटकरी तो सबने देखा है ना, बिल्कुल देखा भी। फिटकरी को ही पोटास एलम कहा जाता है, और फिटकरी एक एडिशन सॉल्ट होता है, एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है। सर आप कहेंगे, हम कहेंगे सर कैसे पोटास एलम, फॉर्मूला बताओ पहले, तो कहेंगे इतना बड़ा तो फॉर्मूला कौन याद रखे उसको है? अरे बड़ा नहीं होता वो, हमने बचपन में पढ़ा होता ना, बचपन हम छोटे होते हैं तो ये फॉर्मूला अपन को बड़ा लगता है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं फॉर्मूला नॉर्मल लगने लग जाता है। ये बड़ा नहीं है, ये दो चीजें हैं भाई इसमें। हमारे पास पोटास एलम का मतलब है दो चीजें, कौन कौन सी सर? एक तो पोटेशियम सल्फेट है जिसको हम K2SO4 बोलेंगे, ठीक है, दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, साथ में वॉटर होता है क्योंकि क्रिस्टलाइज तो करना है अपन को, यही हमारा पोटास एलम होता है, यही फिटिकरी का फॉर्मूला होता है। मतलब क्या होता है सर? पोटेशियम सल्फेट हो गया K2SO4 हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या होता है सर? ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। जब ये दोनों सॉल्ट्स को वाटर के साथ मिक्स करके मैं इनको क्रिस्टलाइज करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाता है? एक एडिशन कंपाउंड जिसका नाम है ये पोटास एलम।
जिसका नाम है ये पोटास एलम। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी ये होता क्या है। अब क्या करना है सर, अब मेरे पास में अगर मैं फिटकरी को देखूं, भाई आपने फिटकरी को देखा होगा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं, रखी रहती है बहुत बहुत टाइम तक, अगर मैंने उसको पानी में डिजोल्व किया तो क्या होता, पानी में डिजोल्व होते ही वो अपने अपने आयनों में अलग अलग टूट जाती है। कैसे भाई, अगर मान लीजिए मैं इसको डिजोल्व करता हूं इन वॉटर, किसमें करता हूं भाई, वॉटर में इसको डिजोल्व करूं, जरूरी नहीं वॉटर हो, वॉटर के अलावा कोई भी आयनिक सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी आयनिक सॉल्वेंट हो सकता है, अगर मैं इसको डिजोल्व करूंगा तो भैया मेरे को एक चीज पता है, जैसे मान लीजिए NaCl है मेरे पास, नमक होता है, बिल्कुल होता है, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं क्या मिलेगा मेरे को भैया, Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मतलब क्या है, जब कोई आयनिक सॉलिड होता है अगर उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो अपने आयन्स में टूट जाता है। सिमिलर कहानी इसके साथ होने वाली भी, इसके साथ क्या होने वाला है, अपने पास है K2SO4 है या नहीं है, बिल्कुल है, और अपन को पता है भाई SO4 पे दो नेगेटिव होता है, होता है होता है, तो सर पोटेशियम पे कितना होगा, पोटेशियम पे 1+ होता है क्योंकि दो पोटेशियम दैट्स व्हाई दो लगाते हैं, यहां से तो ये मिलने वाला है, यहां से तो ये मिलने वाला है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूं, Al2SO4 का होल थ्राइस है या नहीं, बिल्कुल है सर, यहां से मेरे पास मेरे को पता है SO4 2 नेगेटिव होता है, सर कितने SO4 है, तीन है, तीन SO4 मिल जाएंगे। एल्यूमिनियम पे कितना होता है सर, +3 होता है, कितने एल्यूमिनियम है, दो है। जब केवल पोटेशियम सल्फेट होगा तो ये मिलेगा, जब केवल एल्यूमिनियम सल्फेट होगा तो ये मिलेगा, सर जब इन दोनों को मिला देंगे तो बन गया एलम। और हमने कहा था किसी भी एडिशनल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हमारे पास सिंपल सॉल्ट में लाए गए उनके जैसे ही। तो मतलब जब इसको मैं डिजोल्व करूंगा वाटर में तो K2SO4 क्या देगा भाई, 2K+ दे देगा, ठीक है, आपको Al2SO4 से आपको क्या मिल जाएगा, 2Al3 पॉजिटिव मिल जाएगा, प्लस 1 SO4 यहां से, 3 यहां से, मतलब ओवरऑल कितने मिल जाएंगे भाई, 4 SO4 आपको मिल जाते हैं, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर अब इसको हटा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हटा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सर ये वाटर है ये कहां जाएगा, सर ये वाटर कहीं नहीं जाएगा, ये वाटर जैसा है भाई, पानी में पानी तो घुल ही जाएगा ना, पानी में पानी तो घुल ही जाना है, ये वाटर वाटर में जाके मिक्स हो गया, तो सर ये हमारे आइस मिल गए, ये हमारे आइंस मिल गए। हम यहां पर क्या देख रहे हैं सर, जब हम किसी भी डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है और अपने अलग अलग आइंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको कहते हैं सर डबल सॉल्ट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले अब एक काम करते हैं भाई, काम क्या करना है सर, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेके बताइए हमको, एक और, जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपने एक नाम सुना होता है मोहर सॉल्ट, क्या नाम सुना होता है भाई, मोहर सॉल्ट, आप कहेंगे सर मोहर सॉल्ट, किसी ने तुम वैसे सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, कुछ कह रहे होंगे सर सुना तो है लेकिन पता नहीं है क्या फॉर्मूला होता है कैसे होता है, भाई वो भी इसी की तरह होता है, यही बेचारे की तरह होता है, डबल सॉल्ट होता है, मतलब इसमें दो सॉल्ट होते हैं सर, दो सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, दो सॉल्ट, एक तो होता है हमारे पास फेरस सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है सर, दूसरा कौन सा होता है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, साथ में आपके पास 6H2 होते हैं, ठीक है सर, मैंने इसको वाटर में डिजॉल्व किया, अब आप आराम से बता सकते हो, क्या बता सकते हो सर, FeSO4 है ना, तो इधर से मेरे को Fe+2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहां से देखूंगा एक SO4 यहां से मिल जाएगा तो 2 SO4 नेगेटिव निकल जाएगा, प्लस यहां से मेरे को मिलेगा NH4 पर प्लस, कितने NH4 है भैया, दो है तो 2 लगा देंगे, बाकी जो हमारे पास जल देवता बचे हैं इन जल के लिए क्या करेंगे, जल में जल मिक्स हो जाएगा और ये हमारे क्या हो, क्या ये अपने आयनों में टूटा, बिल्कुल टूटा, अपनी आइडेंटिटी लूज की, बिल्कुल कर दी, मतलब डबल सॉल्ट है, बिल्कुल सॉल्ट है, दो चीजों से मिलकर भी बनाया, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये मोहर्स लवण की बात होगी, मोहर सॉल्ट की बात होगी। चलिए सर कोई और एग्जांपल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, एक और ले लिए, चलिए एक और, अभी थोड़ी सी जगह ना तो ये इसको भी लेते हैं, क्यों इसको छोड़ना, हमने ले लिया कार्नेलाइट, हमने ले लिया कार्नेलाइट सॉल्ट, सर कार्नेलाइट सॉल्ट भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये कैसा सॉल्ट है, अजीब सा सॉल्ट हो गया है, ये कैसा सॉल्ट है भाई, अजीब सा सॉल्ट है, क्या नाम है इसका या फिर इसका क्या फॉर्मूला होगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास KCl प्लस MgCl2, सॉरी प्लस का लगाना भी, KCl डॉट
MgCl2.6H2। सर ये कार्बोनिलेट का फॉर्मूला बिल्कुल है, ये तो हमने पहले कभी देखा होता है। बाकी हम वाटर के तहत डिजोल्व करेंगे तो इधर से क्या मिलेगा, के प्लस मिल जाएगा, ठीक है, सीएल माइनस मिल जाएगा, ठीक है। सर दो सीएल इसके पास में, तीन सीएल माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, यहां से मिलेगा एमजी, एमजी पर कितना प्लस होता, एमजी पर टू प्लस होता, ठीक है, हो गया। बाकी सिक्स एच टू है, वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर हमारे पास डबल सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं। हमने बड़े ही प्यार से अच्छे से इस चीज को समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला टाइप का एडिशन कंपाउंड, जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर उसको हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बोलकर आप क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, या फिर एक नाम और बोल देते हैं उसको भी यही लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, व्हाट इज द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। चलिए भाई इसको भी जरा देख लें, बिल्कुल देख लो सर, इसको भी देखना हमें जरूरी है, इसको भी देखना अपन को जरूरी है, क्या इनके फॉर्मूले हैं, है? कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, है? क्या क्या करते हैं। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। पहली बात सर, एक हम जो पढ़ने वाले ना, हम जो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, वो कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कंपैरेटिव चीजें ज्यादा पूछी जाती है, इसके साथ ऐसा है तो बताओ इसके साथ कैसा होगा। मतलब हमने देखा कि जो हमारे पास डबल सॉल्ट था सर, वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल था, था या नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन लिक्विड स्टेट में, या फिर हम बात करना, सॉरी लिक्विड नहीं बोल सकते, डिजॉल्व स्टेट में वाटर के साथ जब उसको मिक्स कर दिया था, उस टाइम पर वो स्टेबल नहीं था, उस टाइम पर स्टेबल नहीं था, वो अपने आयनों में टूट गया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता भाई, यहां क्या होता है, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल इन सॉलिड फेज, सॉलिड फेज एज वेल एज, एज वेल एज डिजॉल्व, dissolved stays in water, in water। मतलब कहने का कैसा, मतलब कहने का यह है, अगर आपने इन कंपाउंड्स को वॉटर में डिजोल्व किया, उधर भी स्टेबल रहेंगे, उससे पहले भी स्टेबल थे। सर ये पहली कहानी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। मतलब यहां से एक चीज तो हमें समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गई, जैसे डबल सॉल्ट को वॉटर में डिजोल्व करने पर वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे थे, खो रहे थे, पहचान को तबाह कर रहे थे, ऐसा ही कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही कुछ नहीं करेंगे, करने के मतलब ये हम बोल सकते हैं, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे रिटेन, रिटेन देयर आइडेंटिटी, या रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मतलब सर इसमें अगर हम देखें यहां पर एक और चीज, एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो हमने वहां किया था, क्या किया था सर, वहां पर हमने ये कहा था एडिशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जैसे, है ना, या कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल सॉल्ट के जैसे, यहां डिफरेंट होती है भाई। यहां पर क्या लिखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन their constituent, constituents simple salt, जो उनके simple salts से बिल्कुल different होती हैं, इनके क्या properties, simple salts। सर example लेके बताओ, example लेके बताओ, क्या लिख दिया मैंने, simple salts, इनके simple salts से different होती है properties। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में होता है एक NiCl2, निकल क्लोराइड होता, ठीक है, अमोनिया के साथ इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाता है Ni NH3 का होल 6, ये पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है, बाहर आ जाता है Cl2, बाहर आ जाता है Cl2। अगर मैं आपसे कहूं, अगर यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, क्या समझेगी सर, यहां पर NiCl2 की प्रॉपर्टी अलग होंगी, बिल्कुल, NH3 की प्रॉपर्टी अलग होंगी, ठीक है, लेकिन यहां पर
ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना तो वो एनआई से मैच करती है ना ही वो NH3 से मैच करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास फिटिक्री था ना, फिटिक्री भाई पोटेशियम सल्फेट भी था एल्यूमिनियम सल्फेट भी था। अब फिटिक्री की जो प्रॉपर्टी है पोटेशियम सल्फेट के जैसे भी है और एल्यूमिनियम सल्फेट के जैसे भी है, मतलब दोनों से मैच कर रही थी, लेकिन यहां पर इनसे मैच नहीं करेंगी, इनसे मैच नहीं करेंगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। और अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं भाई, दूसरा पॉइंट ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए कैसे रखते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सर एग्जांपल इसका क्या क्या होने वाला है। चलिए पहला एग्जांपल, जैसे अभी देखा था हमने, क्या देखा था भाई, इसी को ले लेते हैं, एनआई एनआई एक मिनट, ठीक है, एनआई एनएस थ्री का होल सिक्स, ठीक, बाहर है हमारा Cl2। अगर सर मान लीजिए अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं, क्या करता हूं भाई, इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूं, क्या ये अपने आयंस में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, आयंस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस में जाएगा बताओ, बताओ भाई। यहां पर देखो, यहां पर आपको एक चीज देखनी है भाई, अगर ये वाला ब्रैकेट आपको नजर आ गया सर, ये अपना अलग आयन बनाएगा, चाहे इसके अंदर कोई भी हो, ये किसी को अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देगा। ऐसे मान लीजिए ट्रैप हो गए भाई, इसके अंदर जो आ गया वो ट्रैप है, अब वो खुला नहीं रह सकता जब तक इसकी मर्जी ना हो तब तक। आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता, क्या होता है ये सब कुछ। अगर मैं इसको आयनाइज करना चाहूं तो सीएल कोष्टक से बाहर आएगा, मैं तो बच गया, तो यहां से सीएल नेगेटिव निकल जाएगा सर, कितने सीएल नेगेटिव, दो प्लस, लेकिन यहां पर जो है एनआई एनएच थ्री का होल सिक्स, होल सिक्स है, और इसके देखो सीएल पर माइनस वन है, दो सीएल है माइनस टू हो गया, तो इसके पास कितना आ जाएगा प्लस टू। ये दोनों अपने आयन अलग अलग बनाएंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल देंगे, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन और दिस इज सिंपल आयन, दिस इज सिंपल आयन, ठीक है। तो मतलब हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं भाई, क्या चीज बोल सकते हैं सर, यहां पर देखो पहले क्या था, अगर हम पहले की बात करें एनआई के साथ सीएल था, है ना, अब अगर ये बन गया तो यहां पर जैसे इसको हमने पानी में डिजोल्व किया, NH3 पहले भी एनआई के साथ था, अभी भी एनआई के साथ रहेगा, ये यहां से निकल के नहीं जाएगा, मतलब इसकी जैसी बॉन्डिंग पहले थी वैसी ही बॉन्डिंग अभी भी है, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या भाई, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कुछ और कंपाउंड देख लीजिए, कुछ और कंपाउंड देख लीजिए जिससे कि आपको आयनाइजेशन करना आ जाए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है, अभी बहुत काम आने वाला है। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए K3 है, K3 और यहां पर है FeCN6, बताइए सर वाटर में मैंने तो डिजोल्व कर दिया है, क्या आपको कोष्टक से बाहर कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, कौन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है सर पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम पे एक प्लस आता है सर, कितने पोटेशियम, तीन है प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यहां पर है Fe और यहां पर है CN का होल सिक्स। अब एक प्रॉब्लम आती है सर, इस पर कितना आयन आएगा, बहुत आसान है निकालना भाई, पोटेशियम पे प्लस वन होता है, होता है, कितने पोटेशियम, तीन है, तीन प्लस हो गए तो इस पर एक पास तीन माइनस होंगे, तभी तो ये आपस में जुड़े आते, बिल्कुल हो गया सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आसान है। एक और एग्जांपल कर लीजिए, चलिए एक और कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर किया, मैंने यहां पर किया है, मैंने क्या कर दिया भाई, यहां कर दिया मैंने CO NH3 का होल सिक्स, यहां है Cl3। अब बताइए सर कैसे करना है भाई, यहां से एक चीज देखो, यहां पर कोष्टक से बाहर कौन है, Cl, Cl पे क्या होता है माइनस वन, कितने Cl है सर, तीन है, तीन कर दिया प्लस, यहां से कौन बचा, CONH3 का होल सिक्स बचा है सर, तीन नेगेटिव निकल गए, तीन नेगेटिव निकल गए, तो इधर कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, तीन पॉजिटिव आ जाएंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या होते हैं और हमारे डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी एक चीज आपको बता दिया जाए, अभी आपको एक चीज बता देते हैं, और वो क्या बता देते हैं भाई, वो देखिए ये पहला टॉपिक था हमारा एडिशन कंपाउंड, पहला टॉपिक था हमारा एडिशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम हूबहू अच्छे से जान चुके हैं एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें भी वो दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं और हमारे दूसरे कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में क्या होते हैं, उसी में पढ़ने वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है,
लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं। सर इन तीनों टॉपिक को एक ही लेक्चर में करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बस आपको एक काम करना है और वो काम ये है कि जहां तक हो सकता वहां तक लेक्चर को शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।